नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल है या नहीं है या फिर हमारा बैंक अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं डीबीटी की क्या है और डीबीटी को हमको इनेबल क्यों कराना है तो बात करें दोस्तों डीबीटी इसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये दोस्तों इसको इनेबल कराने से ये फायदा होता है कि हमारा जो पैसा है वो आधार के थ्रू हाँ, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है इसमें इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों ये होगा कि जो आधार से पेमेंट हो सीधा बैंक अकाउंट में आएगा और अगर हम इसको इनेबल नहीं कराते हैं तो हमारे आधार से जो पैसा आएगा पहले बैंक में आएगा उसके बाद बैंक वाले हमारे पैसे को हमारे खाते में ट्रांसफर करेंगे तब जाके ट्रांसफ़र होगा अगर हम डी इनेबल नहीं कराते हैं तो मगर दोस्तों लास्ट डी मोजना योजना में आपको डी बी इनेबल कराना ही होगा तभी आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे एक हज़ार रुपये के लिए तो इसको कैसे देखते हैं कि इनेबल है या नहीं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में आपको दिख रहा हो सिटीजन बैंक अकाउंट हो आधार लिंकेज स्टेटस आप यहाँ से क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं अदरवाइज़ आप यहाँ पर गूगल में भी सर्च करके आ सकते हैं आधार कार्ड बैंक लिंक इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं ये देख सकते डॉट यू डी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस पर ये लिंक आएगा पहले इसी पर क्लिक करेंगे तो यू डी आई का ये वाला पेज खुल के आ जाएगा और यहीं पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिटीजन बैंक अकाउंट हो अकाउंट आधार लिंक इन स्टेट पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी पेज पर आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको ओके करना पड़ेगा पहले ये देखिए तो आप भी यहाँ उसी पेज पर एंटर हो जाते हैं तो ये दोनों तरह तरह से आप उसी पेज पर आएंगे यहाँ पर आपको पहले अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको कैप्स डालना है उसके बाद आपको सेंड ओ पर क्लिक करना है मगर दोस्तों ये वही लोग चेक कर पाएंगे जिनके नंबर पर सॉरी आधार आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है तब अदरवाइज जिसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो इस चीज़ इस को चेक नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम डालते हैं अपना आधार नंबर फिर तो यहाँ पर आपको कैप्चर डालना होगा फिर यहाँ पर आपको सेंड ओ पर क्लिक कर देना है ये देख सकते हो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर जो लिंक है आधार कार्ड से उस पर ओ भेज दिया गया है यहाँ पर देखते हो ओ टी पी टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल तो यहाँ पर आएगा ओ हम तो उस ओ को यहाँ पर हमको एंटर करना होगा तो यहाँ पर ओ भी आ चुका है तो हम ओ एंटर करते हैं ओ एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है ये देख सकते हो दोस्तों हमारे जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर लिंक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और ये अकाउंट ये आधार नंबर है हमारा कॉन्स्टर योर आधार बैंक मैपिंग हैज बिन डन तो यहाँ पर हमारा लिंक है आधार कार्ड पहले से ही बैंक में और हमारे डी पी टी भी लिंक है तो यहाँ पर हमको कोई भी पैसा आधार कार्ड से कोई भी पैसा कोई ट्रांसफ़र करता हो तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आएगा तो देखा दोस्तों कितना आसान था चेक करना उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं बस इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए अगर लिंक है तभी आप ये चेक कर सकते हैं तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया दोस्तों लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे वीडियो देखते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों गुड बाय टेक केयर बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम